हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल पॉइंट में। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? उम्मीद करता हूं लॉकडाउन में अच्छे होंगे, घर पे होंगे और बहुत अच्छा समय मिला है आपको घर पे सेल्फ स्टडी करने के लिए, तो उसका लाभ उठाएं। और आज दोस्तों गुरुकुल पॉइंट में मैं लेके आया हूँ, आज मैं आपका बेस बनाने वाला हूँ। आगे मैं इसका वीडियो बनाऊंगा, तत्सम तद्भव उपसर्ग, आपका देशज विदेशज शब्द, संकर शब्द, ये सारा सब कुछ पढ़ाऊंगा। लेकिन आज मैं सिर्फ बेस बना रहा हूं कि शब्द निर्माण कैसे होते हैं, यानी ऊपर आप देखे होंगे शब्द रचना। तो शब्द रचनाओं को हम किस प्रकार से जानेंगे, एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछ देता है कि निम्न चार विकल्पों में से कौन सा शब्द तत्सम है, निम्न चार विकल्पों में से कौन सा शब्द तद्भव है, कौन सा विदेशी शब्द है, कौन सा संकर शब्द है, कौन सा रूढ़ शब्द है, कौन सा यौगिक शब्द है, कौन सा योग रूढ़ शब्द है, कौन सा विकारी शब्द है, कौन सा अविकारी शब्द है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण संबोध समुच्चय विस्मयादिबोधक, सब चीजों के विषय में हम जानेंगे या सिर्फ बेस बनाएंगे। और अगर आपका ये बेस बन गया तो एग्जाम में आप फतेह हासिल करेंगे, इस बात की मैं पूरी गारंटी देता हूं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। यहां देखते हैं शब्द रचनाओं में एक तो कोई ना कोई सार्थक शब्द होगा और कोई ना कोई निरर्थक शब्द होगा। अब देखो सार्थक और निरर्थक से आपको स्पष्ट हो जा रहा है कि ऐसा कोई शब्द है जिसको उच्चारित करने से हमें बोध हो जाता है कि शब्द सही है, और कोई ऐसा शब्द होता है कि उच्चारण करने के बाद हमको स्पष्ट सही ढंग से नहीं होता है, तो निरर्थक शब्द है। जैसे मैं एक शब्द ले लूं घर, तो पता चल गया कि घर मतलब हमारा कोई आवास से संबंधित हमको बोध हो गया। मैं आपसे कह दूं नल, तो स्पष्ट हो गया कि कोई हैंडपंप है, तो ये सार्थक शब्द हुआ। लेकिन मैं आपको यही कह दूं रघ, इसी को उल्टा कर दिया, र पहले कर दिया घ बाद में कर दिया, और ल पहले कर दिया न पहले कर दिया, तो लन और रघ क्या हो जाएगा, निरर्थक शब्द हो जाएगा, और घर और नल सार्थक शब्द हो जाएगा। अगर आपको इन चीजों से स्पष्ट ये चीज नहीं हुआ तो आपके घर कोई मेहमान आ जाते हैं तो आप कहते हैं ना कि नहीं नहीं रुकिए रोटी खा के जाइएगा, ठीक। एक शब्द क्या कहते हैं, पानी पी लीजिए तब जाइए, और एक चीज कहते हैं आजकल बहुत फेमस है ठंडा पी के जाइएगा, कहते हैं ना। तो देखो रोटी पानी ठंडा ये सब सार्थक शब्द हैं, लेकिन हम बोलचाल की भाषा में गड़बड़ी कर देते हैं, कहते हैं रोटी वोटी, रोटी वोटी खा लीजिए या रोटी वोटी खा के जाइएगा। तो देखो रोटी सार्थक और वोटी क्या निरर्थक, कहते हैं पानी वानी पी लीजिए, कहते हैं ना पानी वानी पी के जाइएगा, तो पानी सार्थक और वानी आपका क्या निरर्थक। अब स्पष्ट हो रहा है। अब अगला ठंडा को ले लीजिए, अरे भाई बहुत दिन बाद आए हैं ठंडा वंडा पी लीजिए, तो वंडा क्या हो जाएगा, निरर्थक शब्द हो जाएगा। अब स्पष्ट हो गया होगा आपको, समझ में आ गई बात। चलिए तो इसको हम इरेज करते हैं, आप समझ गए कि सार्थक शब्द किसे कहते हैं और निरर्थक शब्द किसे कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि सार्थक शब्दों में निरर्थक शब्द को लेकर तो कोई प्रश्न ही नहीं आएगा, अरे बहुत आएगा तो एक प्रश्न आएगा निम्न चार विकल्पों में से एक कोई सार्थक शब्द है उसे स्पष्ट कीजिए, तो तीन निरर्थक रहेगा आप तुरंत पकड़ लेंगे जिसका कोई अर्थ ही ना निकले, और जिसका अर्थ समझ में आ जाए सार्थक शब्द है, तो इसका बड़ा महत्व तो एग्जाम के दृष्टिकोण से नहीं है। अब देखिए सार्थक शब्दों को तीन रूपों से बनाया गया है, नंबर एक प्रयोग या रूप के आधार पर, नंबर दो रचना या बनावट के आधार पर, और नंबर तीन उत्पत्ति के आधार पर। तो नंबर एक देखेंगे विकारी शब्द के विषय में, और दूसरा देखेंगे
अविकारी शब्द के अंतर्गत, और विकारी शब्द में आ जाएंगे संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण, अविकारी में आ जाएंगे क्रिया विशेषण संबंध बोधक समुच्चय बोधक विस्मयादि बोधक। और बनावट के आधार पर देखेंगे तो रूढ़ शब्द यौगिक शब्द योग रूढ़ शब्द, और जब उत्पत्ति के आधार पर हम आएंगे तो तत्सम शब्द तद्भव शब्द विदेशी शब्द संकर शब्द। दोस्तों मैं पूरा इनका विस्तृत नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं सिर्फ बेस तैयार कर रहा हूं। शब्द रचना आगे जब आप पढ़ेंगे तो अगर ये चीज समझे रहेंगे तो आगे आपको बहुत सही ढंग से समझ में आएगा और एग्जाम में एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं नंबर एक विकारी शब्द। अब देखो विकारी शब्द क्या होता है, जो लिंग वचन और कारक का प्रयोग करने में क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए बदल जाए रूप, तो उसे विकारी शब्द कहेंगे। और इसी का अपोजिट होता है अविकारी। अविकारी मतलब अ लग जाता है नहीं, यानी कि लिंग वचन और कारक का प्रयोग करने पर जिस शब्द में परिवर्तन न हो उसे अविकारी शब्द कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे कह दूं, अब लिंग आप समझते हैं ना, वे संज्ञा शब्द जिनसे किसी के पुरुष या नर या मादा होने का बोध होता है तो उसे लिंग कहते हैं। वचन किसी संज्ञा का एक व्यक्ति का बोध हो तो एक वचन, और बहुत सारे व्यक्तियों का बोध हो तो बहुवचन। और कारक आप समझते ही हैं, कर्ता ने कर्म को करण, इस प्रकार समझते हैं ना, संबंध जोड़ता है, ऐसे शब्द जिनको दो वाक्यों को जोड़ने वाली क्रिया को हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। तो देखो जब हम संज्ञा कोई लड़का शब्द ले लें तो लड़का में देखो हमने क्या बदल दिया, लिंग बदल दिया, तो क्या हो गया बाबू मेरे बताओ, लड़की हो गया ना, परिवर्तन हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो वचन बदल दिए, वचन मतलब लड़का एक वचन कह रहा है, लड़की एक वचन है, अब यहां लड़के कर दिए तो बहुवचन हो गया ना, और यहां पे लड़कियां कर दिए तो बहुवचन हो गया, तो परिवर्तन हो गया। ठीक है, तो ऐसे चीज विकारी शब्दों में आते हैं। संज्ञा सर्वनाम, सर्वनाम आप समझते हैं वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपसे कह दूं वह उसने, तो यहां पे जब परिवर्तन हो जाए तो क्या हो जाएगा, विकारी शब्द क्रिया का। अब क्रिया मतलब कार्य किया, जब कार्य किया गया जैसे जाता खाता, ठीक है, तो जाता का जाते भी हो जाएगा, जाती भी हो जाएगा। ठीक है, तो परिवर्तन हो जाएगा। विशेषण किसी वाक्य की विशेषता बताए, गा रहा है, काला है, गोरा है, ये है, वो है, तो परिवर्तन हो जाए तो विकारी शब्द, और परिवर्तन ना हो तो अविकारी शब्द। अब देखो अविकारी में आपका क्रिया विशेषण संबंध बोधक और समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब हम देखते हैं दूसरा पोजीशन, देखते हैं रचना अर्थात बनावट के आधार पे। किसके आधार पे, बनावट के आधार पे। बनावट के आधार पे देखेंगे तो एक नंबर पे आएगा आपका क्या, रूढ़ शब्द, दूसरा आएगा यौगिक शब्द, और तीसरा आपका आएगा योग रूढ़ शब्द। अब देखो रूढ़ शब्द क्या होता है, रूढ़ शब्द जिसके सार्थक खंड ना हो, सार्थक खंड ना हो, यानी ऐसा कोई शब्द हो तो जब हम उनको अलग करें डिवाइड करें तो जो दो शब्द बनेगा उसका कोई सार्थक शब्द ना हो तो उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। डिफिनेशन याद कर लीजिएगा, ऐसे शब्द जिनको विच्छेद करने पर, अलग अलग करने पर जो दो पद बनेगा, यानी प्रथम पद और द्वितीय पद, तो न प्रथम पद कोई सार्थक हो न द्वितीय पद कोई सार्थक हो तो वो क्या हो जाएगा, रूढ़ शब्द।
जैसे मैं आपसे कह दूं एग्जाम्पल के तौर पे, आज मैं आपसे कह दूं, कल मैं आपसे कह दूं नल, ठीक है, मैं आपसे कह दूं नाक। देखो मेरे बच्चों, आज में जब हम अलग करेंगे तो आ और ज, तो ना आ का कोई मतलब हुआ ना ज का कोई मतलब हुआ, तो जब सार्थक शब्द ही नहीं बना तो रूढ़ शब्द है। क्या है? रूढ़। क्या है? रूढ़ शब्द है। देखो कल को क धन ल मिलके बना है, तो न क का कोई अर्थ निकल रहा है न ल का निकल रहा है, तो रूढ़ शब्द है। न का इसी प्रकार से देख ही लीजिए, न धन ल, न न का कोई अर्थ है न ल का कोई सार्थक शब्द बन रहा है। और इसी प्रकार से नाक का ना धन क, तो ये भी क्या हो जा रहा है, न सार्थक शब्द है, सार्थक शब्द बन ही नहीं रहा है, तो रूढ़ शब्द हो गया। ठीक, समझ में आ गया। आप देखते हैं यौगिक शब्द, क्या देखेंगे, यौगिक शब्द देखेंगे। यहां पे सार्थक खंड नहीं हो रहे थे, और इसी का अपोजिट है क्या, जिसके सार्थक खंड हो, सार्थक खंड हो, उसे हम क्या कहेंगे, यौगिक शब्द। ठीक है, क्या कहेंगे, यौगिक शब्द। यौगिक मतलब दो सार्थक शब्दों से जुड़ा हुआ, योग से जुड़ा हुआ दो सार्थक शब्द। जैसे मैं आपसे कह दूं विद्यालय, ठीक, मैं आपसे कह दूं पुस्तकालय, ठीक है, एक शब्द और ले लेते हैं, कौन सा, हिमालय। अब देखो बच्चों, यहां पे विद्यालय, तो विद्यालय में आप देखेंगे अलग करेंगे तो विद्या अधन आलय। अब देखो विद्या भी सार्थक शब्द है भाई, विद्या आनी चाहिए, आलय मीन्स आवास होता है, घर का बोध करा दिया विद्यालय। ठीक है, समझ में आ गई बात, अगर आपको समझ में आ रहा है प्लीज एक लाइक कर दीजिए। चलिए इसी प्रकार से पुस्तक धन आलय, पुस्तकालय होता है, दीर्घ संधि है, इसमें शब्दों को भी देखते जाइए। तो देखो पुस्तक कोई सार्थक शब्द निर्माण हो गया और आलय भी कोई सार्थक शब्द निर्माण हो गया, जबकि यहां पे आय और ज कोई सार्थक शब्द ही नहीं बन रहा था, यहां पे बन रहा है, तो यौगिक शब्द हो जाएगा, यानी दो सार्थक शब्दों के योग से जो शब्द बने उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। हिमालय, हिम, धन, आलय। अब यहां देखो हिम मतलब बर्फ और आलय मतलब घर, तो हिमालय हो गया, हिम मतलब बर्फ एक शब्द हो गया, आलय भी एक शब्द हो गया, तो हिमालय हो गया। समझ में आ गई बात। चलिए तीसरा नंबर देखते हैं, योग रूढ़ शब्द। अब देखो योग रूढ़ शब्द को जब भी एग्जाम में आपसे पूछ दे तो समझ लीजिएगा कि बहुव्रीही समास के जितने भी शब्द आएंगे वो सब योग रूढ़ शब्द हैं, यानी ऐसे शब्द जिसका न तो प्रथम पद सार्थक हो न द्वितीय पद सार्थक हो, बल्कि दोनों मिलकर किसी तीसरे अर्थ का बोध कराते हो, तो उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। बड़ा कंफ्यूजन होता है, ये एग्जाम में बार बार पूछता है और परिभाषा नहीं याद रहता है, तो वहां लगते हैं दिमाग कंफ्यूजन में आ जाता है। कंफ्यूजन में नहीं लाना है, बहुत आराम से आपको पढ़ना है, बहुत व्यवस्थित ढंग से बिल्कुल स्थिर होके पढ़िए, जल्दीबाजी नहीं है। मैंने कहा ऐसे शब्द जो दोनों, यानी प्रथम पद भी सार्थक ना हो द्वितीय पद भी सार्थक ना हो। देखो मैं एक शब्द लिख दूं दशा नन, तो यहां दशा और आनन, दशानन हो गया ना, तो देखो दशा और आनन, तो इसका सार्थक शब्द नहीं निकल रहा है ना, तो ये दोनों मिलके क्या अर्थ बोध कराते हैं, रावण का बोध करा रहे हैं, दशानन अर्थात रावण का बोध करा रहे हैं, गजानन अर्थात गणेश का बोध करा रहे हैं, पंकज अर्थात कमल के फूल का बोध करा रहे हैं, पंकज जो कीचड़ में पैदा हुआ हो तो कमल का फूल जन्मा हो। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए
कि जब भी पूछ दे योग रूढ़ शब्द, आंख बंद करके बहुव्रीही समास जिसके दोनों पद प्रधान न होके बल्कि दोनों पद मिलके किसी तीसरे अर्थ का बोध कराएं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? बहुव्रीही समास तो कहते ही कहते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं योग रूढ़ शब्द। यानी न प्रथम पद सार्थक हो न द्वितीय पद सार्थक हो, बल्कि दोनों मिलके किसी तीसरे का बोध करा दें। चंद्रशेखर, चंद्र है जिसके शिखर पर, मस्तक पर, अर्थात कौन? शंकर। गजानन, गज के समान है जिसका आनन मुख, यानी अर्थात गणेश। चतुर्भुज, जिसकी चार हैं भुजाएं, अर्थात कौन? विष्णु। तो इस प्रकार के शब्द दे दे तो योग रूढ़ शब्द है। समझ में आ गई बात? तो फिर एक बार समझ लीजिए, ऐसे शब्द जिनके खंड करने पर दोनों पद सार्थक शब्द न बने तो वो रूढ़ शब्द, ऐसे शब्द जो दो पदों से बने हो और खंड करने पर दोनों पद सार्थक हो जाएं तो यौगिक शब्द, यानी सार्थक शब्दों के योग से बना हो तो यौगिक शब्द, और योग रूढ़ शब्द, इन्हीं में रूढ़ शब्द और योग रूढ़ शब्द में कंफ्यूजन होता है, तो योग रूढ़ शब्द वे शब्द यानी बहुव्रीही समास के जितने एग्जाम्पल वाले शब्द हैं वो सब योग रूढ़ शब्द हैं, अर्थात दोनों पद सार्थक न होके बल्कि दोनों मिलके किसी तीसरे का बोध कराए तो क्या हो जाएगा? योग रूढ़ शब्द। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए तीसरा आप देखेंगे, उत्पत्ति के आधार पे। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पे जब हम पढ़ेंगे तो ये जानेंगे कि एक होता है तत्सम शब्द, दूसरा होता है तद्भव शब्द, तीसरा होता है विदेशी शब्द, चौथा होता है संकर शब्द। ठीक है, चलिए एक एक पे आते हैं। तत्सम शब्द बार बार आप पढ़े होंगे, कक्षा 6 से ही पढ़ाया जाता होगा तत्सम शब्द, तत्सम शब्द। लेकिन एग्जाम में जब दे देता है ना निम्न चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प तत्सम शब्द है, तीन दे देगा तद्भव शब्द का, एक दे देगा तत्सम का, और अगर परिभाषा याद नहीं है, सबसे जरूरी होता है मेरे बच्चों परिभाषा याद करना, अगर परिभाषा याद नहीं है तो एग्जाम में फाइट करना बहुत ही मुश्किल आपके लिए हो जाएगा। आप कितना एग्जाम्पल पढ़ के जाएंगे, अक्सर आप यूट्यूब पे जाते हैं तो इस प्रकार के प्रश्नों को पढ़ते हैं कि लगेगा हाँ ये तो बड़ा एग्जाम्पल, बड़ा इंपॉर्टेंट है, सॉरी ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आता नहीं है। इतने उदाहरण हैं तत्सम के, कितना तत्सम शब्द आप रटेंगे, तद्भव के इतने शब्द हैं, हजारों शब्द हैं, कितना रटेंगे, कितना इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे। ऐसे चैनल को पढ़िए जो ब्लैकबोर्ड पे लिख के समझा के बोल के पढ़ाता हो, सिर्फ किताबों से छांट के ला के अच्छे अच्छे प्रश्नों को सॉल्व करा देना ये बहुत बढ़िया नहीं है। ये पढ़ेंगे तब तक याद रहेगा, 3 घंटे 4 घंटे अगले दिन एग्जाम तक भूल जाएगा, लेकिन अगर परिभाषा याद कर लिया है आपने तो जीवन में नहीं भूलेगा। और जो ब्लैकबोर्ड पे लिख के टीचर पढ़ाता है, समझाता है, समझ लीजिए कि वो चीज आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाता है। ठीक है, तो देखो तत्सम का पहले हम परिभाषा जानते हैं। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में उसी रूप में बोले लिखे पढ़े जाते हों तो उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। फिर एक बार सुन लीजिए, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में उसी रूप में लिखे जाते हों, उच्चारित किए जाते हों, बोले जाते हों तो उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे मैं आपका संस्कृत का एक शब्द कह दूं अग्नि, तो अग्नि हिंदी में लिखा जाए तो वो तत्सम शब्द है, लेकिन संस्कृत भाषा का, अब तद्भव शब्द का परिभाषा सुन लीजिए, संस्कृत भाषा का वह शब्द जो हिंदी भाषा में आके अपने रूप को परिवर्तित कर ले, रूप में परिवर्तन कर ले, विकार उत्पन्न कर ले, रूप बदल ले, तो तद्भव शब्द है। अब अग्नि को आप आग भी कह सकते हैं, आग आपका क्या हो जाएगा, क्या होगा? तद्भव शब्द हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अग्नि से रूप बदल के इसने क्या कर लिया, आग कर लिया। मैं आपसे कह दूं चक्षु,
तो अब देखो चक्षु मीन्स क्या होता है, संस्कृत में आंख को चक्षु कहते हैं और हिंदी में आके उसने अपना रूप बदल लिया तो आंख हो गया, तो आंख क्या हो जाएगा, तद्भव शब्द हो जाएगा। मैं आपको जब वीडियो बनाऊंगा तत्सम का पढ़ाऊंगा तो अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेके आऊंगा, लेकिन मैं यहां पे आपको शब्द निर्माण का, शब्द रचनाओं के विषय में पढ़ा रहा हूं, तो सब चीजों को पढ़ लीजिए, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा। तो तद्भव और तत्सम समझ में आ गया। अगला है विदेशी शब्द। अब देखो विदेशी शब्द किसे कहते हैं, इसके अंतर्गत मेरे बच्चों हिंदी भाषा में बहुत सारे विदेशी, हमारे जो पड़ोसी देश हैं और विदेशी जो विदेश के जो देश हैं, अन्य देश हैं, वहां की भाषाओं को हिंदी में मिक्स हो गया है, यानी मिक्स हो गया है, मिल गया है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना रेलगाड़ी आ रही है, तो देखो रेल और गाड़ी, अब हमने रेल बोल दिया, हम अंग्रेजी बोल रहे हैं तो अंग्रेजी, रेलगाड़ी, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो जाने अनजाने में हम उच्चारित करते रहते हैं और हम समझ ही नहीं पाते हम किस देश की भाषा बोल रहे हैं। तो ऐसे शब्द जो विदेश की भाषाओं से हिंदी भाषा में घुस गए हैं, एंट्री कर लिए हैं, प्रवेश कर लिए हैं, उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। इसके अंतर्गत आपका पुर्तगाली आ जाएगा, अंग्रेजी आ जाएगा, इसके बाद मैं आपसे कह दूं तो फारसी शब्द आ जाएगा। अब एक चीज और इंटरेस्टेड चीज समझ लीजिए कि फारसी भाषा का जो शब्द है हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, ये तीनों शब्द फारसी भाषा का शब्द है। ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी प्रश्न आपसे पूछ देगा कि हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो आप तो कहेंगे कि हिंदी भाषा का शब्द है, गलत है, फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी, हिंदुस्तान और आपका हिंदी, तीनों जो है फारसी भाषा का शब्द है। तो आगे मैं जब एक एक पुर्तगाली भाषाओं को पढ़ाऊंगा, अंग्रेजी के कौन कौन शब्द हैं, फारसी भाषा के कौन कौन से शब्द हैं, पुर्तगाली भाषा के कौन कौन से शब्द हैं, तो ये विदेशी शब्द हो जाएंगे। इसी के साथ एक देशज शब्द आता है, सुने होंगे, देशज शब्द वो होता है जो हम अपनी बोलचाल की भाषा में क्या कर लेते हैं, खुद परिवर्तन कर लेते हैं भौगोलिक क्षेत्रों के अनुसार, जैसे डोरी, सीढ़ी, लोटा, छोटा, ठीक है। इस प्रकार से बहुत सारे शब्द हैं, धड़ाम, धड़ाम बोलते हैं धड़ाम से गिर गया, तो धड़ाम, लोटा, सोटा, ये सब क्या है, देशज शब्द हैं, हमारे लोकल भाषा में जो बोले जाते हैं शब्द वो देशज शब्द के अंतर्गत आते हैं। अगला संकर शब्द। अब देखिए शब्द से समझ लीजिए, संकर शब्द ऐसे शब्द जो दो भाषाओं के योग से बना हो, याद रखिएगा, बहुत कंफ्यूजन हो जाता है योग रूढ़ शब्द और आपसे संकर शब्द में कंफ्यूजन हो जाता है। ऐसे शब्द जो दो भाषाओं के योग से बने हो तो उन्हें क्या कहते हैं, संकर शब्द कहते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपसे कह दूं रेल, धन, गाड़ी, तो देखो रेल जो शब्द है ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है और गाड़ी जो है हिंदी भाषा का शब्द है, तो अंग्रेजी और हिंदी जब जुड़ जाएगा तो रेलगाड़ी बन जाएगा और ये रेलगाड़ी जो शब्द होगा वो संकर शब्द होगा, कौन सा, संकर शब्द होगा। चलिए ऐसे ही एक शब्द है छाया, धन, दार। देखो छाया जो है संस्कृत का शब्द है और दार जो है वो आपका फारसी शब्द है, दार क्या है, फारसी शब्द है, तो अब फारसी और अंग्रेजी मिलके छायादार बन गए तो संकर शब्द हो जाएगा। समझ में आ गई बात। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक था वो टॉपिक था शब्द रचनाओं पे, यानी आप शब्द रचना कैसे बनाएंगे। कोई भी शब्द बनेगा तो कहीं ना कहीं उपसर्ग होगा, कहीं ना कहीं तत्सम होगा, तद्भव होगा, प्रत्यय होगा, संधि होगा, समास होगा, बहुत सारे ऐसे इस प्रकार के चीजें आएंगी आपके एग्जाम में। तो आज मैं बेस बना रहा था, अगले दिन मैं आपको पढ़ाऊंगा बिल्कुल विकारी शब्दों को, अविकारी शब्दों को, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, रूढ़ शब्द, यौगिक
शब्द, योग रूढ़ शब्द, एक एक भाग लेके आऊंगा। ऐसा नहीं है कि सब एक ही दिन पढ़ा दूंगा। आज सिर्फ मैं आपका बेस बना रहा था, आपका बुनियादी स्तर पहले मजबूत हो जाए, फिर इसके आगे बारे में हम बिल्कुल पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज का ये वीडियो मैं समाप्त करता हूं, और जाते जाते मैं आपको बता दूं कि गुरुकुल पॉइंट चैनल को कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आप नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी लोगों से करा दीजिए, ताकि आने वाले समय में मैं आपको और इसी प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आपके पास लाता रहूं और आप जीवन में सफलता पाएं। दोस्तों सामान्य हिंदी का और भी वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो गुरुकुल पॉइंट चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां पे सामान्य हिंदी का एक प्लेलिस्ट है। चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूं, सीजन 2 सामान्य हिंदी। मनोविज्ञान देखना हो तो देख लीजिए, भूगोल का भी देख लीजिए, रीजनिंग का क्लास चलता है देख लीजिए, संविधान का भी वहां पे वीडियो बना हुआ है वो भी देख लीजिए। बहुत सारे चीज ज्ञानवर्धक चीजें आपको प्लेलिस्ट के गुरुकुल पॉइंट में मिल जाएगा। तो इसी के साथ जय हिंदी, जय हिंदुस्तान, नमस्कार।